जोशीमठ के जीएमवीएन ज्योतिर कॉम्प्लेक्स में आयोजित प्रेस वार्ता में दिल्ली प्रदेश की उत्तराखंड इकाई की सह संयोजक और जोशीमठ की बेटी मीना भंडारी ने कहा कि वो बीजेपी की सच्ची कार्यकर्ता हैं और पूरी ईमानदारी से सीमांत क्षेत्र में पीएम मोदी की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर मोदी जी के हाथ मजबूत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सूबे में आने वाले 2022 के चुनावी समर में इन्हीं जन परोपकारी योजनाओं के चलते भाजपा उत्तराखंड में पीएम मोदी के निर्देशन में विजय पताका फहराएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीमांत के अंतिम व्यक्ति तक मिल रहा है। यह दूरदर्शी व अनुभवी नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाया है। बद्रीनाथ विधानसभा से अपनी दावेदारी के बारे में उन्होंने कहा कि वे पार्टी के अनुशासित और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। यदि पार्टी उन्हें आदेश देती है तो वे इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में भाजपा एक बार फिर से उत्तराखंड में सरकार बनाने में सफल रहेगी। भाजपा की दिल्ली प्रदेश उत्तराखंड प्रकोष्ठ की सह संयोजिका मीना भंडारी ने प्रेस से वार्ता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चहुंमुखी विकास हो रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक अनुशासित और कर्मठ कार्यकर्ती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पार्टी जिसको भी नेतृत्व दे हम उसके साथ हैं, और अगर हम तो हम भी बिल्कुल पीछे नहीं हटे। मैं जून में भी आई थी यहाँ पर, उस टाइम कोरोना काल में बहुत हालत खराब थी और मैंने मास्क सैनिटाइजर ये सभी जगह बांटे और हेलन से होते हुए हम लोग आगे बढ़ते गए और इस तरह से हमारा जो पूरा एरिया बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फायदा होने वाला है पर्यटन के। उससे आज हम लोग पर्यटन पर पूरी तरह डिपेंडेंट है बद्रीनाथ विधानसभा हर जगह। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग बनने से उत्तराखंड में पर्यटन एवं तीर्थाटन गतिविधि बढ़ेगी। मीना भंडारी ने कहा कि केदारनाथ पुनर्निर्माण के बाद बद्रीनाथ में मास्टर प्लान योजना से आने वाले दिनों में पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होगा। भाजपा नेत्री ने कहा कि उत्तराखंड में युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अच्छा कार्य हो रहा है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने अल्प कार्यकाल में बेहतर कार्य किया है। स्टूडियो उत्तराखंड के लिए जोशीमठ से संजय कुंवर की रिपोर्ट। उत्तराखंड की हर खबर सिर्फ न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।